पावर ऑफ द लेंस बेसिकली क्या होती है, कितनी एबिलिटी है एक लेंस की कि वो रेज को कन्वर्ज कर सकता है किसी भी पॉइंट पर लेंस के बहुत पास। देखो एक लेंस है, एक लेंस है, आपने अगर देखा होगा धूप में बच्चे खेलते भी हैं, वो छोटे छोटे लेंस आते हैं और वो पेपर में होल करते हैं, सन वो धूप में रख के और होल हो जाता है पेपर में। तो क्या करते हो आप, बेसिकली सन की रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, आप उसको इकट्ठा करते हो, कन्वर्ज करते हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो आप वो गोला बनता है हल्का सा ब्राइट, वो सन की इमेज बनती है, वो सन की इमेज है, रियल इमेज है वो सन की, ठीक है, थोड़ा सा सन बनता है, तो वो सारी रेज को फोकस करता है और वो जो कागज़ है वो जल जाता है, ऐसा ही होता है। तो आप अगर लेंस कमज़ोर है तो आप ना उसकी वो सेटिंग करते हो, कभी दूर कभी पास। जो स्ट्रॉन्ग लेंस है ना, जो बहुत पावर जिसकी ज़्यादा है, उनको बहुत दूर रखने की जरूरत नहीं है, वो पास रख के अपना आंसर दे देंगे, मतलब कन्वर्ज कर देंगे, और जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको दूर उसकी सेटिंग होती है। रीज़न, क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, उन्होंने कन्वर्ज कहाँ पर, उन्हें फोकस पे, तो अपने फोकस पे सेट करते हो आप, तो जितनी नज़दीक सेट होगा फोकस जितना कम होगा, यानी कि लेंस को बहुत दूर नहीं लेके जाना पड़ा, तो फोकल लेंथ उसकी कम है, पावर उतनी स्ट्रांग है, कम दूरी पर ही उसने फोकस कर दिया। और अगर कमज़ोर लेंस है, पावर उसकी वीक है, तो आप बहुत दूर रखते हो, उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा आती है, और फोकल लेंथ ज़्यादा है और आपको लेंस को दूर करना पड़ा, तो इसका मतलब उसकी पावर कम है। तो इसलिए कहा जाता है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसके अंदर इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला किया था 1/focal length का, और 1/focal length ही क्या होती है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, तो या तो क्वेश्चन आएगा लेंस मेकर पे या क्वेश्चन आएगा पावर पे, वैसे पावर पे ज्यादा आता है, एक ही तो बात है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें भी लेंस मेकर का ही यूज होना है। तो अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर क्या है, पॉजिटिव है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक पावर की जो SI यूनिट है, वैसे फोकल लेंथ मीटर में होती है, 1/meter क्या, 1/meter, 1/meter नहीं, इसकी जगह क्या बोलते हैं, डायोप्टर, तो ये क्या है, डायोप्टर। और अगर सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 1/100 ऊपर जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप अगर सेंटीमीटर में गिवन भी है तो आप सिंपली एक काम करो, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले, और 1/focal length करके उतने डायोप्टर आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट।